नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रैली की। यहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड में होने वाले कामों का भी जिक्र किया। बताया कि क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने अलाहउदल का जिक्र कर बुंदेलखंड को वीरों की धरती बताया। उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी बात की। पीएम ने दावा किया कि 40,000 करोड़ की इस योजना के क्षेत्र में पानी की समस्या कम होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं आपको सपा कांग्रेस से सावधान करने आया हूं। सपा कांग्रेस आपका वोट तो लेने आती है, लेकिन ये लोग सरकार में आते ही सौगात उनको बांटते हैं जो उनके लिए वोट जिहाद करता है। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह कहते हैं कि वो सभी की संपत्ति की जांच करेंगे और फिर आपकी संपत्ति का एक हिस्सा वोट जिहाद के लिए दिया जाएगा। चुनाव से पहले ही इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपकी संपत्ति में से एक हिस्सा अपने जो वोट जिहाद करने वाली वोट बैंक है उन लोगों को दे देंगे। आप मुझे बताइए भाइयों, आपकी संपत्ति किसी भी सरकार को आप छीनने देंगे क्या? अगर मेरी बात पहुंची है तो सब लोग जवाब देना, क्या किसी भी सरकार को आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे क्या? किसी को लूटने देंगे क्या? आपके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया है उस पर आपका अधिकार है कि नहीं है? वो आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये सपा कांग्रेस वाले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि वो एक्सरे निकालेंगे, आपके पास कितनी जमीन है, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कोई गहने हैं क्या, आपका मंगलसूत्र कहाँ पड़ा है, और फिर आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी है जिसके पास नहीं है वो वोट जिहाद वालों को बांट देंगे। क्या आपने अपने माता पिता की संपत्ति को बांटने देंगे क्या?